गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज हुआ है मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम, मतलब हमारे पापा जी के साथ। बताइए मामा। तो एक्चुअली आज जो वीडियो हम बना रहे हैं उसकी कुछ वजह है, क्योंकि आज हमारे खुद के घर में बहुत बड़ा एक स्कैम जिसे नहीं बोलते, लूटपाट बोलते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है। तो जिस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आगे जो लोग हों वो सतर्क रहें। तो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि आज हमारे जीजा जी को गाँव जाना था बुआ जी को लेने, तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाना था उन्हें। तो 6 बजे एक्चुअली उन्होंने अपना ऑटो वगैरह किया उबर से। तो ऑटो करने के बाद क्या हुआ कि एक ऑटो आया और उसके बाद जो मेन हम लोगों ने उबर से ऑटो किया दूसरा भी आया, लेकिन मेन हम लोगों ने जीजा जी ने गलती की, यहाँ पे गलती हुई कि बिना ऑटो का नंबर देखे उस ऑटो में वो बैठ गए। तो फिर सीन ये हुआ क्योंकि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना था, तो वहां से पहाड़गंज से होते हुए जाते हैं। तो क्या हुआ, जब वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो सामने लग रही थी जाम, ऑटो वाला बोला कि सामने जाम लग रही है, तो बोला कि ये शॉर्टकट है, आप इधर शॉर्टकट से चले जाओ। ठीक है, शॉर्टकट का मतलब होगा कि पीछे से कहीं रास्ता होगा तो वहां से जाने का रास्ता होगा। तो उन्हें इतना पता नहीं था क्या होने वाला है आगे। तो आगे फिर क्या हुआ कि वो शॉर्टकट के थ्रू निकलने लगे और ऑटो वाला चला गया अपना। ठीक है, तो शॉर्टकट से जब वो निकल रहे थे तो वहां पे कम से कम 5 से 6 लोग रुके हुए थे, जो कि नशेड़ी टाइप जो होते हैं, और मतलब ये न्यू दिल्ली नहीं पुरानी दिल्ली का भी यही हाल है। पापा घर से ही लेट हो गए थे थोड़ा निकलने में, तो इसलिए पापा हर बार जब भी ऑफिस जाते हैं तो धूप बत्ती या ज्योत या कान्हा जी को उठाकर ही जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। पर आज पापा जल्दी जल्दी कपड़े पहन के और चले गए क्योंकि लेट हो गए थे, इसलिए वहाँ पे अगर ऐसे ही बैठे रहते तो लेट जाते और ट्रेन छूट जाती, इसलिए पापा शॉर्टकट से चले गए थे। तो अब तो शॉर्टकट के बाद ये हुआ कि वहां पे जो बैठे होते ना 4-5 नशेड़ी लोग, उनमें से 2 के पास तो चाकू था और 1 के पास गन भी थी। तो जब उन्होंने देखा ही ना अकेले आते हुए, एक्चुअली 5 बज रहा था, 5 बजे अंधेरा होता है, तो उस चीज का फायदा उठा के वो आए उनके पास और उनके सीधे गन लगा दी और चाकू लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद उनसे बोलते हैं कि जो भी तेरे पास है दे दे मुझे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो जब वो नहीं दे रहे थे तो फिर बोलता है कि अगर नहीं दे रहे हो 2 मिनट में बता, तुझे गोली मार दूं, ये कर दूं वो कर दूं। तो उस डर की वजह से उन्हें अपना मोबाइल भी देना पड़ा और जो भी पैसे थे वो भी उन्हें दे दिए। तो मतलब ये आज हमारे घर में ऐसा हुआ है, लूटपाट जो भी हुई है मतलब स्टेशन पे, जो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था ऐसा हुआ है। जो ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है खासकर कि आप भी थोड़ा ना सतर्क रहे, केयरफुल हो जाए अपने उससे थोड़ा कि हाँ, अगर तो जाए। एक्चुअली हमारा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था कि दिल्ली में बहुत ऐसे कांड हो रहे हैं, तो अगर आप लोग भी कभी ऐसा, कभी मॉर्निंग का टाइम हो या ज्यादा रात का टाइम हो, तो थोड़ा इस मामले में सतर्क रहें। अगर उबर के थ्रू आपको गाड़ी करना है तो उसका नंबर जरूर देखें, उसके बाद ही उसमें बैठें। ठीक है, और ऐसी जगह जाने से बचें जहां पे मतलब अंधेरा हो या कोई आना जाना किसी का ना हो, तो उस जगह जाने से बचें, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लूटपाट चल रही दिल्ली में खासकर। तो बस मेरा हमारा वीडियो बनाने का ही एक लक्ष्य था कि आप लोग सतर्क रहें। तो गाइस जो भी हम लोग का ये वीडियो देख रहा है, सतर्क रहें, क्योंकि दिल्ली में आजकल ऐसी घटनाएं बहुत हो रही है, लूटपाट हो रही है, और उबर में अगर कोई गाड़ी बुक करता है तो सबसे पहले उसका नंबर देखें, उसके बाद ही उसमें बैठें, और खासकर अंधेरे में खाली रास्ते मतलब जहां पे कोई भी ना हो वहां जाने से बचें। तो बस यही उद्देश्य था वीडियो बनाने का। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे जो इसे देखेंगे उन्हें भी इससे सतर्कता मिलेगी तो वो सेफ रहेंगे।